जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पूरी शिद्दत और मेहनत से अपने ड्रीम के लिए लगे हुए हो। सो, आज जो हमारा कंसेप्चुअल सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो होगा और हम फिर से आपको कह रहे हैं, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका जो वैल्यू है, ठीक है, वो डे बाई डे और इंक्रीज हो रहा है और क्वेश्चन जो है पूरी तरीके से डायनेमिक हो रहा है। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा लीड लेना है। अगर आपका साइंस स्ट्रांग है, डेट मीन्स आप बहुत लोगों से ऐसे ही आगे निकल जाओगे। और एक चीज़, साइंस सब्जेक्ट में आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर पूरी तरीके से डायनेमिक हो गया है, वो चीज़ों को कंसेप्चुअली आप पूछते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। इससे पहले हमने आपको जो समझाया था वो था आपका श्वसन प्रणाली, डेट मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम। और आज जो हम लोग बात करेंगे वो है आपका उत्सर्जन तंत्र। देखिए, ये जो वीडियो सीरीज हम स्टार्ट किए हैं इसमें सिर्फ हम लोग कंसेप्चुअल चीज़ बात करेंगे, ठीक है। इसके जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, उसके लिए हमने आपके लिए प्रॉपर PDF प्रिपेयर कर दिया है, ठीक है। तो उसके लिए आपको एकदम घबराना नहीं है, ठीक है। बेहतरीन PDF हमने आपके लिए बना दिया है, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और आपका जो मेन जो फोकस रहे वो आपका कहाँ रहे, तो वो आपका पढ़ने पे आपका मेन फोकस रहे। देखिए, तो आपको इस तरीके से बेहतरीन आपको PDF बना दिया गया, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, ठीक है। और नीचे आपका क्वेश्चंस भी आपके रहेंगे, तो एकदम शांतिपूर्वक अभी जो आपको फोकस करना है वो करना है आपको समझने पे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले हमने पढ़ा था कि श्वसन प्रणाली, डेट मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने क्या समझा, रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन प्रणाली में हमने ये समझा कि अगर हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए तो एनर्जी वो किस रूप में यूज़ करता है, ATP के फॉर्म में यूज़ करता है, एडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में यूज़ करता है, ठीक है। क्यों, हमने आपको ये भी समझाया था कि जो भी हम चीज़ खाते हैं उसमें मेनली ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज से हमारे बॉडी में एनर्जी मिलता है, पर ग्लूकोज डायरेक्टली हमारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करता है, डायरेक्टली उसको यूज नहीं करता है एज एनर्जी में। ग्लूकोज का क्या होता है, आपका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऑक्सीजन। तो श्वसन प्रणाली का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है कि ऑक्सीजन जो है, सांस लेंगे ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू हर एक सेल में जाएगा, हर एक कोशिका में जाएगा, ठीक है। और कोशिका में वहां ऑलरेडी क्या होगा, ग्लूकोज भी होगा, ठीक है, क्योंकि ब्लड के थ्रू ग्लूकोज भी पहुंचेगा। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब साथ में मिलेंगे तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा और फिर एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। तो आपको एक चीज यहाँ एक और समझना है कि हमारा जो ये पूरा का पूरा बॉडी है इसमें बहुत तरीके का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। बहुत तरीके का क्या हो रहा है, आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है, रासायनिक प्रक्रिया हो रही है, जिससे क्या होता है, आपका कुछ वेस्ट भी हमारे बॉडी में डेवलप होता है। जैसे कि आप समझो, डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया, पाचन तंत्र मैंने आपको पढ़ाया, पाचन तंत्र में आपने ये भी पढ़ा कि जो आपका प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन का जब डाइजेशन होता है तो सबसे छोटा यूनिट क्या बनता है, एमिनो एसिड बनता है। और आपको ये भी मैंने आपको समझाया कि जो अगर प्रोटीन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कोई तत्व है, कोई एलिमेंट है प्रोटीन को बनाने के लिए, तो वो है आपका नाइट्रोजन। तो जब प्रोटीन का विखंडन होता है, ठीक है, प्रोटीन जब छोटी चीजों में टूटता है, ठीक है, तो हमारे लिए तो बॉडी के लिए एब्जॉर्ब तो होता ही है, ठीक है। मान लीजिए एक प्रोटीन है, प्रोटीन टूटा एमिनो एसिड में, और क्योंकि सबसे छोटा यूनिट है एमिनो एसिड, तो वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होगा जो हमें बॉडी में चाहिए। बट जब भी ये प्रक्रिया होगी इसके साथ साथ कुछ वेस्ट भी निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोजेनियस वेस्ट। किसके केस में, प्रोटीन के डाइजेशन के केस में, प्रोटीन के डाइजेशन के केस में एक्स्ट्रा क्या हमें वेस्ट निकलता है, तो हमें निकलता है आपका अमोनिया, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि ये बहुत ही पॉइजनस होता है, तो अब हम अपना बॉडी में नहीं रख सकते। इसी तरीके से बहुत सारे रिएक्शन होते हैं और बहुत सारे ऐसे वेस्ट होते हैं जो बॉडी से हमें निकालना है, ठीक है। और इसीलिए जो सिस्टम नेक्स्ट आता है वो है हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, ताकि जो भी वेस्ट है स्पेशली ब्लड में उसको हम लोग बाहर निकाले, ठीक है। अब वो कैसे निकालेंगे, यही आज का टॉपिक है, जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है एक्सक्रेटरी सिस्टम में, उत्सर्जन तंत्र में। ऐसे तो आप उत्सर्जन तंत्र देखोगे तो इसमें काफी चीज आप पढ़ोगे, ठीक है, जैसे कि स्किन होता है वो भी एक उत्सर्जन तंत्र है, ठीक है। बेहतरीन तरीके से मैं समझाने वाला हूँ, स्किन हो गया, पसीना के फॉर्म में जो हमारे बॉडी में कुछ खनिज है ऐसे जो हमारे बॉडी में नहीं रहना चाहिए तो आपका पसीना के फॉर्म में निकल जाता है, तो स्किन भी एक क्या है, उत्सर्जन
तंत्र का पार्ट है, एक्सक्रेटरी सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। उसी तरीके से यूरिया, ये जो आपका लीवर है, लीवर भी क्या करता है, देखिए एमोनिया का आपको बहुत बार एक क्वेश्चन आपने सुना भी होगा कि जो बॉडी में यूरिया कहाँ बनता है, आपको पता होगा यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, बहुत बार हमने आपको बताया है, ठीक है। तो यूरिया जो एमोनिया जो होता है, आपको मैंने समझाया था एमोनिया एक वेस्ट है, ठीक है। तो एमोनिया हमारे लिए क्या है, बहुत ही हानिकारक है। अब वो एमोनिया से क्या कर देता है, यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। कौन करता है, तो ये आपका लीवर करता है। तो एमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट कौन करता है, आपका लीवर कर देता। और ये जो यूरिया है फाइनली क्या होता है, हमारे किडनी के द्वारा, हमारा जो यूरिन है, हमारे पेशाब के द्वारा ये जो यूरिया है वो निकल जाएगा। डेट मीन्स ये भी सहायक है एक्सक्रेटरी सिस्टम में, लीवर भी, क्योंकि लीवर क्या कर रहा है, जो एमोनिया जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है उसको यूरिया में कन्वर्ट कर दे रहा है। और फाइनली ये यूरिया क्या हो जा रहा है, आपका यूरिन के थ्रू आपका जो किडनी के हेल्प से आपका बाहर निकल जा रहा है। आपको बहुत बार आपने ये भी क्वेश्चन पढ़ा होगा कि जो आपका यूरिन है, जो आपका मूत्र है, उसका फॉर्मेशन किसके द्वारा किया जाता है, तो किडनी के द्वारा आपको किया जाता है। इसी तरीके से उत्सर्जन तंत्र में एक ये भी आप लंग्स के बारे में भी पढ़ सकते हो कि लंग्स में क्या होता है, तो जो कि हमारा जो बॉडी से, बॉडी में हर एक कोशिका को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन होगा तभी तो ऑक्सीकरण होगा ग्लूकोज का, तभी तो हमें एनर्जी मिलेगी। इससे पहले वाला वीडियो आप जरूर जाके देखिएगा, ठीक है। तो जो ये जो लंग्स है, लंग्स में मैंने आपको कुपिका के बारे में पढ़ाया था, एल्वियोली के बारे में पढ़ाया था। एल्वियोली क्या था, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता था। तो ये जो आपका लंग्स है, ये बेसिकली क्या करता है, ठीक है, तो लंग्स करता है कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन देता है और CO2 हमारे बॉडी से बाहर निकालता है। तो ये भी है, पर जो मेन, जो हमारा जो एक्सक्रेटरी सिस्टम का जो मेन वाला पार्ट है, वो है हमको जो पढ़ना है, वो है आपका किडनी वृक्क, ठीक है। अब आपने ये तो देखा कि हमारे बॉडी में बहुत ही केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, बहुत ही रासायनिक प्रक्रिया होती है, ठीक है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि पाचन होता है, ठीक है, उसके बाद श्वसन क्रिया। तो ये सब जो रासायनिक क्रिया जो हो रही है, इसको वन वर्ड में हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेटाबोलिज्म। मेटाबोलिज्म क्या है, तो बेसिकली जितना भी रिएक्शन होता है हमारे बॉडी में, ठीक है, और बड़े बड़े चीज जैसे कि ग्लूकोज जो है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट जाता है, ठीक है, प्रोटीन जो है एमिनो एसिड में टूट जाता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज में, जैसा कि हमने आपको बताया, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हो रही है, ये सब जो रिएक्शन हो रहा है, इसको एक वर्ड में अगर आप क्या बोलोगे, तो आपका मेटाबॉलिज्म बोलोगे, उपाचय बोलोगे। और इसी मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मतलब बहुत सारे रिएक्शन हो रहे हैं बॉडी में, और जिस रिएक्शन के कारण अच्छा चीज तो हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पर जो गंदगी है उसे बाहर निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक रिएक्शन में कुछ अच्छा चीज होता है तो कुछ गलत चीज भी होता है। हमेशा जब रिएक्शन होता है तो उसमें जो प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है, आउटपुट निकलता है, तो कुछ तो हमारे बॉडी का यूज का होता है, कुछ नहीं होता है, जिसे हमें बाहर निकालना है। और वही जो काम करता है हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम करता है। किडनी क्या करता है, तो यूरिया जो है, यूरिया हमारे लिए सेहत के लिए ठीक नहीं है, मतलब हमारे बॉडी के लिए ठीक नहीं है, ठीक है, तो उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है। तो मेनली हमें पढ़ना क्या है, हमें यहां पढ़ना है आपका किडनी के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। ये है आपका किडनी का स्ट्रक्चर। अब समझो किडनी, किडनी हमारे पास क्या है, दो हमारे पास किडनी है। सबसे पहला आपने तो यही सुना होगा कि डायलिसिस, डायलिसिस क्यों कर किया जाता है, जब किडनी फेल हो जाता है। आपने सुना होगा कि किडनी फेल हो गया, बहुत लोगों का, बहुत सारे पॉलिटिशियन का भी किडनी फेल हो जाता है, ठीक है। तो जो किडनी जो है बेसिकली, ठीक है, तो किडनी अगर फेल हो गया तो क्या होगा, तो आपका जो ब्लड प्योरिफिकेशन है वो नहीं हो पाएगा, ब्लड का जो फिल्ट्रेशन है वो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, जब आपका किडनी खराब हो जाता है तो एक क्वेश्चन आता है कि डायलिसिस किस लिए किया जाता है। तो जब आपका किडनी खराब हो जाता है तो किडनी के जगह एक आर्टिफिशियल, कृत्रिम, ठीक है, एक मशीन लगा दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायलिसिस, जिसके द्वारा क्या होता है, हमारा ब्लड फिल्टर होता है। ये चीज समझ में आया। अब हम देखते हैं कि अगर आपका किडनी सही है, ठीक है, जो कि आप सबका सही होगा, भगवान करे आप सबका हमेशा सही रहे, ज्यादा पानी पीना है, हमेशा कसरत करना है। अगर आप कसरत करते हो तो आपका किडनी भी स्वस्थ रहेगा, एटलीस्ट रनिंग करना चाहिए। देखिए ये है आपका किडनी, क्या है आपका, ये है आपका किडनी। किडनी जो होता है बेसिकली दो भाग होता है इसका, जैसे आपने पढ़ा होगा, इसका भी जो बाहर वाला जो भाग होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, CORTEX, याद रखना जो जो चीज अब मैं बोलूंगा। और बीच वाला जो भाग होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मेड्यूला। आपको समझना ये है कि जो एक किडनी जो होता है, ये बहुत सारे, ठीक है, छोटे 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 छकनी से बना होता है,
उस छकनी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस छकनी को हम लोग बोलते हैं क्या, नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि जो किडनी है, ठीक है, उसका कार्यात्मक मतलब, कार्यात्मक मतलब होता है फंक्शनल, ठीक है, और जो आपका वर्किंग स्ट्रक्चर क्या बोला जाता है, वृक्क की कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी किसको कहा जाता है, तो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल दैट मीन्स कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई, ठीक है, किडनी का किसको कहा जाता है, तो नेफ्रॉन को, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। और ये नेफ्रॉन क्या है, तो ये जो आपका किडनी बना हुआ है इसमें बहुत सारे छोटे 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 छकनी हैं, और ये छोटे छोटे छकनी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। कितने होते हैं, तो कम से कम 10 से 12 लाख नेफ्रॉन से आपका क्या बना होता है, आपका किडनी बना होता है। मतलब 10 से 12 लाख छोटे छोटे छकनी, जिसको नाम दिया गया है, बायोलॉजिकल टर्म दिया गया है नेफ्रॉन, जिससे क्या आपका किडनी बना होता है। और उसी नेफ्रॉन के बारे में हमें पढ़ना है कि आखिर नेफ्रॉन जो है किस तरीके से आपका जो खून जो है वो साफ करता है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। याद रखना है किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है, तो आपको याद रखना है नेफ्रॉन है। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि जो किडनी का बाहर वाला भाग होता है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, और अंदर वाला भाग जो होता है उसको हम लोग मेड्यूला बोलते हैं। और किडनी क्या है, तो बेसिकली एक छकनी है जो हमारे ब्लड को फिल्टर करेगी, और ये जो छकनी है, ठीक है, छोटे छोटे छकनियों से मिला हो मिलके बना है 10 से 12 लाख, जिसको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। अब हम लोग जो मैं बताने जा रहा हूँ, नेफ्रॉन का एक एक पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, हेनली लूप किससे रिलेटेड है, हेनली लूप ग्लोमेरुलस किससे रिलेटेड, और ट्राई कीजिएगा कि इंग्लिश में इस चीजों को याद रखे। ठीक है, अब ये जो है एक छोटा एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, क्या है, एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपको मैं समझाने जा रहा हूं बहुत ही आसान भाषा में, बस आप ध्यान से सुन लीजिए। उससे पहले मैं एक बार आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझा देता हूं। देखिए, ये है आपका उत्सर्जन तंत्र, दैट मीन्स एक्सक्रेटरी सिस्टम। ठीक है, ये है दो आपका प्यारा किडनी, एक किडनी यहां हो गया, एक किडनी आपका यहां हो गया। ठीक है, ये चीज आपको समझ में है, दो किडनी है आपका। किडनी का काम क्या है, ब्लड का प्योरिफिकेशन करेगा। ठीक है, एक चीज आपको समझना यहां है क्या, कि दो आप देख रहे हो, एक देख रहे हो ब्लू कलर का पाइप देख रहे हो, और एक रेड कलर का पाइप देख रहे हो। ठीक है, तो जो आपका ब्लू कलर का पाइप है, ठीक है, उससे पहले आप रेड वाला देखिए, तो जो रेड वाला पाइप है, ठीक है, इससे क्या होता है, आपका जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब क्या होता है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है, दैट मींस ये कहां से आया होगा, मैंने आपको एक चीज समझाया था, ठीक है, अगर आपको याद हो, जो हमारा हार्ट है, ठीक है, एक बार जल्दी से मैं 2 मिनट लेता हूं, वो चीज मैं आपको समझाता हूं, ताकि इस वाले चीज को आपको समझ में आए। हमने आपको एक चीज समझाया था कि जो हमारा हार्ट है, हार्ट पे आते हैं, देखिए 1 मिनट दीजिएगा, ऐसा डायग्राम है ना, मतलब बेहतरीन डायग्राम है, आपका पूरा दिमाग एकदम सेट हो जाएगा। देखिए देखिए, हमने एक चीज आपको समझाया था, मेरी बातों पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है, कि हमारा जो बॉडी है, हर एक बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि हर एक बॉडी पार्ट्स जो बना हुआ है आपका क्या से बना हुआ है, कोशिका से बना हुआ है, और कोशिका को चलाने के लिए चाहिए आपका एनर्जी, और एनर्जी कैसे मिलेगा, जब आपका ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा, तो मतलब हमारा पूरा बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन पहुंचेगा कैसे, तो ब्लड से पहुंचेगा, और ये ब्लड से पहुंचेगा कैसे, तो मैंने आपको एक चीज समझाया था कि जो हमारा जो ये हार्ट है, ये देखिए ये हार्ट है, अब देखना समझना यहाँ, ठीक है, कि कैसे ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, कैसे ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, और जब उसमें से ऑक्सीजन ले लिया जाता है सेल के द्वारा, और उसमें CO2 डाल दिया जाता है, तो किस तरीके से फिर से वो लंग्स के पास जाता है। देखिए, हार्ट को आप सिंपल समझो कि ये आपका क्या है, तो ये आपका एक पंप है, आपका जो घर में पंप लगा होता है। ठीक है, प्लीज सब वीडियो देखा कीजिए, तभी आप अच्छे से चीजें समझ पाओगे, और कोई आपको समझाने वाला भी नहीं है। ठीक है, देखिए, तो ये है आपका हार्ट। ठीक है, अब हार्ट का आपको ध्यान रखना है, ये है आपका लंग्स, और ये है आपका पूरा बॉडी, और ये है आपका हार्ट। पूरा बॉडी मतलब ऊपर है लंग्स, ठीक है, ये है आपका हार्ट, और ये पूरा बॉडी जितना भी आपका अंग है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए,
जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब ऐसा ब्लड ठीक है जिसमें ऑक्सीजन है, वो कहां से आएगा? मैंने आपको समझाया था इसे श्वसन प्रणाली में, मैंने आपको समझाया था ठीक है कि लंग्स पे जाता है, ठीक है ब्लड कहां जाता है? लंग्स पे जाता है, और लंग्स से क्या करता है? ब्लड में जो आपका CO2 होता है वो क्या होता है, लंग्स का जो एक पॉइंट मैंने आपको बताया था एल्वियोली कूपिका, उस कूपिका के थ्रू क्या होता है, जो CO2 होता है ब्लड में वो बाहर छोड़ देता है, और बाहर जो ऑक्सीजन होता है आपका ब्लड में आ जाता है। तो ये देखिए, ये मान लीजिए जो रेड वाला है, ये ऐसा ब्लड है जिसमें क्या है आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये सबसे पहले कहां आएगा? ये आएगा आपका हार्ट में। अब हार्ट में क्या आ गया? आपका ब्लड आ गया जिसमें कि आपका ऑक्सीजन वाला ब्लड है, मतलब ऐसा ब्लड जिसमें कि ऑक्सीजन है। समझ में आया इतना? अब ये जो आपका हार्ट है, मैंने अभी आपको समझाया कैसे काम करता है। तो ये एक पंप है, जैसे कि घर में पंप होता है, पूरा सब जगह पाइप से पानी देता है। तो जैसे ही आपका यहां आपका पानी, ये आपका क्या ब्लड आ गया, कहां से? हार्ट से, ऐसा ब्लड जिसमें क्या है आपका ऑक्सीजन है। अब ये क्या करेगा, फिर से यहां से देखो, ये हार्ट से, हार्ट में पहले आया, अब हार्ट क्या करेगा, उसको पंप करेगा, पंप करेगा, और ये क्या करेगा, आपका पूरा बॉडी में जाएगा, चाहे आपका किडनी हो, चाहे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हो, सब जगह जाएगा, ठीक है। यहां हो गया, ठीक है, यहां आ गया। अब यहां समझिए, अब देखिए, तो ये क्या हो गया आपका, अब यहां ऑक्सीजन जो है आपका यूज हो गया, कैपिलरी ऑफ द बॉडी ऑर्गेन अपार्ट फ्रॉम द लंग्स, ठीक है, ये बस इतना आपको समझना है, ठीक है, यहां बॉडी में आपका यूज हो गया। अब यहां एक चीज समझना है कि ठीक है, आपने यहां आ गया, आपका बॉडी ने पूरा ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है। अब जब ऑक्सीजन वो ले लेता है, तो बॉडी का जो डिफरेंट कोशिका है, सेल है, ठीक है, ये आपको पता है किसके थ्रू जाएगा, ये क्या है, ऑक्सीजन वाला ब्लड है, ठीक है। तो किसके थ्रू जाएगा? तो ये आपका आर्टरी के थ्रू जाता है, धमनी के थ्रू जाता है। समझ में आया? अब जो ये जितना भी ऑर्गन है, अपने इसने तो ऑक्सीजन ले लिया, और अब क्या करेगा, ऑक्सीजन लेने के बाद ब्लड में क्या आ जाएगा, CO2 आ जाएगा। अब जो ये CO2 है, ठीक है, अब सीरा के थ्रू, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी, कैपिलरी के थ्रू क्या होगा, फिर से आपका हार्ट में जाएगा। कैपिलरी मतलब सीरा के थ्रू फिर से आपका हार्ट में गया, और फिर से हार्ट क्या करेगा, अब इसको फिर से लंग्स के पास भेजेगा, ताकि उसमें फिर से आप क्या आ जाए, उस ब्लड में आपका ऑक्सीजन आ जाए। हमेशा एक चीज आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, कि जो सीरा जो होती है, डेट मीन जो आपका कैपिलर, एक होता है आर्टरीज, एक होता है आपका वेन। तो आपका जो आर्टरीज को हम लोग बोलते हैं धमनी, ठीक है, और जो आपका वेन को हम लोग बोलते हैं सीरा। तो आर्टरीज जो होती है हमेशा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है, वो कौन कैरी करेगा, तो आपका आर्टरी करेगा, ठीक है, मतलब आपका धमनी करेगा। और वही आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करेगा, मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, CO2 है, वो कौन कैरी करेगा, तो आपका सीरा करेगा, डेट मीन्स आपका वेन करेगा। बट यहां बस एक चीज याद रखना कि जब भी ये वाला ब्लड जब आपका हार्ट से आपका कहां जाएगा, आपका लंग्स में जाएगा, ये लंग्स है, ठीक है, लंग्स है, फेफड़ा, लंग्स में जब जाता है, तो ये बस एक्सेप्शन एक याद रखना। तो ये कौन ले जाता है, तो ये आपको याद रखना है फुसफुस धमनी, दैट मींस आपको इसको बोला जाता है आपका पुल्मोनरी आर्टरी। तो पूछा जाएगा कि जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऐसा ब्लड जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं होता है, वो हार्ट से, ठीक है, लंग्स तक कौन लेके जाता है, तो फुसफुस धमनी, जिसको बोला जाता है आपका क्या, पुल्मोनरी आर्टरी। और अगर पूछा जाए कि लंग्स से, ठीक है, ऑक्सीजन वाला ब्लड, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग से हार्ट तक कौन लेके आता है, तो क्या बोलोगे, आपका पुल्मोनरी वेन, फुसफुस सीरा। याद रखना, ये एक्सेप्शन है, ठीक है, कि जब भी मैं बोलूंगा कि हार्ट से जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका लंग्स तक कौन लेके जाएगा, तो पुल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, फुसफुस धमनी। और आपका लंग्स से फिर से ऑक्सीजन वाला ब्लड कौन लेके आएगा, तो आपको याद रखना है फुसफुस सीरा, दैट मींस पुल्मोनरी वेन।
इतना चीज आपको समझ में आ गया कि हार्ट जो है बेसिकली क्या काम करता है, तो पंप के जैसे काम करता है। इसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है तो पूरा का पूरा कहाँ, बॉडी में फैला देता है। फिर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो ऐसा ब्लड जिसमें कि आपका ऑक्सीजन नहीं है, फिर से वो अपने अंदर ले लेता है और फिर से जोर लगाता है, पंप करता है, फिर से कहाँ भेज देता है, लंग्स के पास, और फिर से लंग्स से कहाँ जाता है, हार्ट में आ जाता है, और फिर से हार्ट पंप करता है, पूरे बॉडी में चला जाता है। इतना चीज आपको समझ में आ गया। चलिए, इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। अगर इतना चीज आपको समझ में आ गया तो ये तो चीज आपको समझ में आ गया होगा कि जो ब्लड जो है, ठीक है, वो किडनी के पास भी आएगा, ठीक है, और किडनी तो ऑक्सीजन लेगा ही, क्योंकि उसको भी जरूरत है, किडनी तो ऑक्सीजन लेगा ही। साथ ही साथ जो ब्लड में जितना भी, ठीक है, गंदगी है, ठीक है, जो भी वेस्ट है, उसको भी वो छान लेगा। अब कैसे छानेगा, देखिए, ये है आपका किडनी, दो किडनी है, ठीक है, ये दो किडनी है, ठीक है। अब ये देखो, ये जो रेड वाला है, ये रेड वाला जो पाइप देख रहे हो, इससे ब्लड दोनों किडनी में आ रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेनल आर्टरी। आर्टरी मतलब धमनी। तो रेनल आर्टरी के द्वारा क्या हो रहा है, आपका ब्लड जो है किडनी में आ रहा है। और ये कैसा ब्लड है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब इसमें ऑक्सीजन है, ठीक है, और इसमें वेस्ट है। कैसा वेस्ट, हानिकारक वेस्ट, ठीक है, आने वाला ब्लड में। अब जो ये जा रहा है ब्लड, किससे जाएगा, तो आपका रीनल वेन से, वेन मतलब सीरा, तो रीनल वेन से क्या होगा, फिर से ये कहां चला जाएगा, आपका कहां चला जाएगा, यहां हार्ट से आ रहा है और ये हार्ट में फिर से वापस जा रहा है, ठीक है। तो ये रीनल वेन से वापस जा रहा है और रीनल आर्टरी से वापस, तो जो ब्लड वापस जा रहा है वो कैसा होगा, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, मतलब ऐसा ब्लड, ऐसा रक्त जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं है, बट वो फिल्टर ब्लड है, ठीक है, कैसा है, वो फिल्टर ब्लड है। तो ये आने वाला जो था अनफिल्टर ब्लड था, और जाने वाला जो है फिल्टर ब्लड है। आने वाला में ऑक्सीजन था, जाने वाला में ऑक्सीजन नहीं है, मतलब CO2 है। समझ में आया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, आपने ये समझ लिया। अब हम लोग मेन बात करते हैं हमारा किडनी का। मैंने अभी समझाया कि जो हमारा किडनी जो बना हुआ है, वो छोटे छोटे नेफ्रॉन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, नेफ्रॉन से बना हुआ है। अब उस नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर हम लोग दिखाते हैं। ये है आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। यहां नेफ्रॉन नहीं दिख रहा, हम यहां लिख देते हैं नेफ्रॉन। अब ऐसा बहुत सारा मैंने अभी बताया था, ठीक है, कितने लाख में होते हैं ये, बहुत सारा ऐसे जो नेफ्रॉन है जिससे बना होता है आपका किडनी। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, इस एक एक चीज आपको याद रखना है। देखिए, सबसे पहला जो ब्लड है, ठीक है, ये पूरा आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। सबसे पहला ब्लड जो है आपका आता है एफरेंट एट्रियोल के थ्रू। ये बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें वर्ड्स आपको याद रखना है। सबसे पहला आपका ब्लड आया, कैसे आएगा ब्लड किडनी में, मैंने अभी बताया था, रेनल आर्टरी के थ्रू आएगा। क्या होगा, तो उसमें गंदगी होगा। तो जैसे ही ब्लड आया, ठीक है, एक नेफ्रॉन का मैंने स्ट्रक्चर यहां आपको बना दिया है, और पहला पॉइंट जहां ब्लड आपको एंट्री करता है, ठीक है, वो है आपका एफरेंट एट्रियोल, ठीक है, और जहां से ब्लड यहां से वापस गया, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एफरेंट एट्रियोल। इसका हिंदी भी लिखा हुआ है, ठीक है, आप हिंदी वाला देख लेना, ट्राई करो कि इंग्लिश वाला याद रखने के लिए। तो आपको जो क्वेश्चंस यहां से पूछा जाता है, कैसे, मैं बताता हूं। सबसे पहले नेफ्रॉन क्या है, तो कार्यात्मक इकाई है आपका किसका, किडनी का। उसके बाद पूछा जाता है जो बोमेन कैप्सूल है, ये किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है बोमेन कैप्सूल जो रिलेटेड है आपका, किससे रिलेटेड है, आपका किडनी से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपको पूछा जाता है जो ग्लोमेरुलस है, ठीक है, बोमेन कैप्सूल को बोला जाता है बोमेन सपाट संपुट बोला जाता है, संपुट, और जो आपका ग्लोमेरुलस है उसको कोशिका गुच्छा बोला जाता है, ठीक है। अभी वर्ड याद रखना, सिर्फ बोमेन कैप्सूल किससे रिलेटेड है, किडनी से, ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल मतलब बोमेन संपुट, ठीक है, और कोशिका गुच्छा मतलब ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो ये सब किससे रिलेटेड है, आपका किडनी से रिलेटेड है, और किडनी का भी किस कौन सा वाला पार्ट से, तो नेफ्रॉन से। तो यहां ब्लड आया, ब्लड का जो पहला छकनी का काम करता है, पहला जो ये नेफ्रॉन है, तो ब्लड का पहला फिल्टर होना जो स्टार्ट होता है वो यहां से होता है, ठीक है। देखिए, एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो ब्लू वाला है ना, इसमें ब्लड है, ठीक है, ब्लड है, ठीक है, ब्लू वाला में। और ये जो येलो वाला जो आप दिख रहे हो, येलो वाला जितना है, ये क्या कर रहा है, जो ब्लड में जो वेस्ट चीज है वो अपने अंदर ले ले रहा है। तो जैसे कि ब्लड यहां आया, ठीक है, ये आया, यहां गुच्छा बना लिया इस तरीके से, ठीक है, यहां जो भी वेस्ट था वो इसमें आ गया, ठीक है, इसे जितना भी खनिज हो, चाहे एक्स्ट्रा वाटर, वो सब इसमें आ जाएगा,
ठीक है, इसमें आ गया बोमेन कैप्सूल में आ गया। फिर से देखो, फिर से ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला क्या है आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल बोला जाता है, पीसीटी बोला जाता है इसको, ठीक है। अब यहां क्या होगा, फिर से जो ब्लड में और जितना बारीकी से हो सकता है, यहां तो छाना ही, फिर दूसरा कहां छनेगा, ए वाला पॉइंट पे, पीसीटी में छनेगा, जो भी खनिज या आपका जो भी एक्स्ट्रा वाटर है, कुछ भी ऐसा वेस्ट जो आपको ब्लड में नहीं रहना चाहिए, फिर से वो कहां छनेगा, फिर से यहां छनेगा, ठीक है। और फाइनली आपका जो फिर से यहां भी एक बार छनता है, ठीक है, तो कहां कहां छना, छनना स्टार्ट कहां से हुआ, तो आपका यहां से ग्लोमेरुलस से स्टार्ट हुआ, ये जगह से। दूसरा फिर से कहां छना, यहां छना। तीसरा फिर से कहां छना, यहां छना। और ये जब जितना भी छना हुआ चीज है, ये गंदगी जो है, ये आपका पीला वाला में आ जा रहा है, ठीक है। और ये पीला वाला फाइनली कहां कनेक्ट होगा, तो ये कनेक्ट, और देखिए फिर से यहां भी एक आपका क्या होगा, आपका नेफ्रॉन होगा, फिर से यहां भी क्या होगा, एक नेफ्रॉन होगा, फिर से यहां भी क्या, ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन हो गए। और सबका काम यही होता है ब्लड को छानना। अब ब्लड में जितना भी गंदगी है, चाहे आपका एक्स्ट्रा वाटर हो गया, चाहे एक्स्ट्रा कोई खनिज है, मिनरल है, चाहे आपका यूरिया है, वो सब निकालेगा और उसको फाइनली ये जो है आपका कहां जाएगा, ये वाला पाइप कहां जाएगा, तो ये जाएगा आपका यूरेटर में। कहां जाएगा मैं दिखाता हूं आपको, यूरेटर में कहां, तो ये देखिए एकदम कनेक्ट करके पढ़ना है, ठीक है। अब देखो तो ये सब क्या, ये किडनी है, किडनी में बहुत सारा क्या था, नेफ्रॉन था, ये फाइनली सब जो है आपका इसमें आएगा, इसमें यूरेटर में आएगा। यूरेटर मतलब क्या होता है, आपका मूत्र वाहिनी होता है। और फिर से ये यूरेटर कहाँ कनेक्ट करेगा, आपका कहाँ करेगा, तो ये ब्लैडर में। ब्लैडर का काम क्या होता है, तो आपका यूरिन निकलने से पहले जहां यूरिन जमा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैडर, जिसको बोलते हैं मूत्राशय। और फाइनली आपका यूरिन के थ्रू जो है क्या हो जाता है, आपका ये यूरिन मतलब ये वाला जो पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा, जिसके मूत्र मार्ग के थ्रू वो निकल जाता है। समझ में आया, बस इतना ही खेल था। एक चीज आपको समझना है, जैसे कि यहाँ यूरिन हो गया, तो यूरिन का पीएच कितना होता है, तो 6 होता है। जितने भी कंसेप्चुअल जो चीजें था, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, समझ में आया। और फिर से ये तो ब्लड से इन्होंने चीज निकाल लिया, और जो गंदगी था वो बाहर निकाल दिया, और जो ब्लड फिर से जो बचा हुआ है, फिर से क्या करेगा वो आपका इससे, डेट मीन्स आपका रेनल वेन से, रेनल आपका सिरा से क्या करेगा, फिर से ये हार्ट में चला जाएगा। अब फिर से हार्ट में चला जाएगा, अब इसमें क्या है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, फिर से ये कहाँ भेजेगा, तो फिर से ये आपका लंग्स में भेज देगा। लंग्स में फिर से जाएगा, वहां से क्या मिल जाएगा, उसको ऑक्सीजन मिल जाएगा, फिर से वो कहाँ आएगा, आपका हार्ट में आएगा, फिर से हार्ट पंप करेगा, पूरे बॉडी में फैला देगा। यही खेल है इसका, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आया, तो इस तरीके से क्या है कि पूरा का पूरा आपका जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है वो काम करता है, ठीक है, समझ में आया। देखिए अब यहाँ एक क्वेश्चन आप समझिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट इन द ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। मानव उत्सर्जन तंत्र में अपशिष्ट के निष्कासन के लिए निम्न में से चरणों का सही क्रम आपको चयन करना। अगर आपने नहीं पढ़ाया तो आप ये नहीं कर पाओगे। सबसे पहले क्या होता है, किडनी होता है, ठीक है, किडनी का बात करेंगे, ठीक है, किडनी, ठीक है, किडनी में क्या होता है, तो याद रखिएगा किडनी आपको याद रखना है। यूरिन कहाँ बनता है, तो आपको देखो दो चीज हमेशा कंफ्यूज मत कर, अगर पूछे कि यूरिन कहाँ बनता है, ठीक है, तो क्या बोलोगे, किडनी बोलोगे। बट अगर आपको बोलेगा कि यूरिया कहाँ बनता है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे लीवर बोलोगे, ठीक है। लीवर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए कुछ भी मतलब हानिकारक चीज, कुछ भी पॉइजनस चीज अगर हमारे बॉडी में जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले जो इफेक्ट होगा वो आपका लीवर ही होता है, ठीक है। इसलिए दारू पीते हो तो लीवर खराब हो जाता है आपका, सिरोसिस एक बीमारी पूछा जाता है, सिरोसिस बीमारी क्यों होता है, तो लीवर खराब हो जाता है जब आप लोग दारू पियोगे, ठीक है, मतलब वाइन पियोगे। तो किडनी, किडनी के बाद मैंने आपको क्या बताया, यूरेटर, यूरेटर मतलब था मूत्र वाहिनी, ठीक है। उसके बाद ब्लैडर, जहां आपका क्या होता था, आपका यूरिन जमा होता था। उसके बाद यूरेट्रा, जहां मूत्र मार्ग, जहां से वो निकल जाता था। तो इसका सही आंसर आपका ये हो जाएगा। तो एटलीस्ट आपको प्रॉपर आइडिया हो गया होगा कि आखिर किस तरीके से ब्लड जो है पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया। प्लीज बताइएगा ये क्लास आपको कैसा लगा, और पूरा का पूरा लिस्ट है आपका एनसीईआरटी का, जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। जय हिंद।